गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु बैच की। तो परमाणु बैच का एक छोटा सा ब्रीफ आउट आपको कर देता हूँ। एक बार जल्दी से सेशन को चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा बेटा। हाँ, एक बार जल्दी से चारों तरफ सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। आज जो परमाणु बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बेसिकली फोकस्ड टूवर्ड्स द बार्क। ओके, और जो बार्क का पेपर आता है ना, वो जनरली न्यूमेरिकल अप्रोच में अधिक होगा। आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। आपको कुछ ले नहीं जाना, इट इज़ जस्ट लाइक अ गेट एग्ज़ाम। और यहाँ पर थियोरेटिकल से ज़्यादा रिमेम पॉइंट्स जो होते हैं ना, जैसे आपको क्या याद रखना है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। जो ज़्यादा समझने वाले एरियाज हैं ना, लाइक कंसेप्ट पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स अधिक होने की संभावना है। मशीन की बात करें तो जो पुराना बार्क का जो पेपर जब उन्होंने कंडक्ट किया, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स उन्होंने ट्रांसफार्मर से पूछे, ठीक है, और इंडक्शन मशीन से पूछे। बट आने वाले समय में कुछ कह नहीं सकते, तो आपको चारों मशीन को बराबर ही प्रिपेयर करना है। मैं आपके साथ जो है रोज़ एक घंटे की क्लास कराता रहूँगा, लगभग 13th तक, ठीक है। और ये 12 आवर्स में मैं आपका मशीन का जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाएँ, कोशिश करूंगा कि वो मैं पूरा का पूरा आपको डिलीवर कर दूं। एक बार जल्दी से बताइएगा, मेरी बात क्लियर है क्या? सर कौन से ईयर वाले के लिए है ये? बेटा अभी 2021 वाले के लिए है, परमाणु बैच 2021 की बात हो रही है, जिसका रिक्रूटमेंट निकल रखा है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी से सेशन को चारों तरफ शेयर कर दीजिए बेटा, बहुत जल्दी से सेशन को चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है ये इंपॉर्टेंट चीजें। आप मुझे फॉलो कर सकते हो बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये तीनों ही मेरे सब्जेक्ट हैं और मैं इन तीनों ही सब्जेक्ट को बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप मुझे फॉलो करने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक जो कि कॉमेंट के चैट सेक्शन में पड़ी हुई है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो स्पेशल क्लास क्या है, यूट्यूब पे आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो, अनअकैडमी आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे ना पढ़ने का भरपूर जो है वो चांस देता है। अब आप चाहे तो स्पेशल पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, या फिर प्लस पे पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल की, तो स्पेशल यूट्यूब से कुछ खास है। किन मामलों में खास है उसके बारे में जरा ध्यान से देखो। इंटरेक्टिव तुम्हें मिल जाती हैं क्लासेस बेटा, पोल्स मिल जाते हैं फॉर द लर्नर्स, जिससे कि आपका अनबायसली आप प्रैक्टिस कर पाते हो। नेवर मिस अ क्लास, आप क्लास मिस नहीं करोगे। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ एनी टाइम एनी वेयर आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। अगर डिफरेंस बताऊं तो देखो, प्लस में जो फीचर्स हैं ना, वो कहीं ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू रिकॉर्डेड और यूट्यूब। साथ ही साथ मैं अगर आपसे बोलूं कि पेड कोर्सेज, तो अनअकैडमी बहुत ज़बरदस्त पेड कोर्स ऑफर करता है। ये इंडिया का बेस्ट पेड कोर्स है ऑनलाइन में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो प्रूफ है मेरे पास। लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्स मिलता है, और बेटा डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन में ना आप इमेज को क्लिक करके और सीधे पोस्ट कर सकते हो। एक ये फीचर हो गया, दूसरा रेज योर हैंड का फीचर भी अवेलेबल है, जहां आप वर्बली बात बाय वॉइस बात कर सकते हो एजुकेटर से, ठीक है, इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच। और पता है सबसे खास बात यह है कि इसमें आप क्लास में तो पढ़ रहे होते हो, लेकिन क्लास में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं, तो आइकॉनिक में प्लस वाले सारे फीचर्स होते हैं बेटा, एंड यू विल गेट पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। चलो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर। 12 महीने की फीस स्ट्रक्चर है 29,205 रुपीज, और यही फीस स्ट्रक्चर अगर 24 महीने की बात की जाए तो 42,480 की है। आप मेरा कोड VST101 अगर यूज करते हो तो आप 10% का डिस्काउंट अवेल करते हो, और साथ ही साथ आप पढ़ते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस में। मैंने आपको आइकॉनिक के बारे में बता रखा है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो आपको आइकॉनिक में मिल रही हैं, ये प्लस में नहीं है, और इसी वजह से इसकी थोड़ी सी फीस में अंतर भी है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 45,225 है 12 मंथ के लिए, और 66,600 है 24 मंथ के लिए। लेकिन ये फीस एप्लीकेबल है सिर्फ एक कोड के साथ। कोड क्या है बेटा? VST101। इस कोड के साथ ये फीस इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आपको फीस अधिक लगती है तो आपके पास EMI ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन गो बाय द EMI ऑप्शन। चलो वापस आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। सभी लोग आ गए बेटा? अभिषेक कुमार थैंक यू बेटा। देखिएगा जरा, हम लोग बात करने चल रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की।
अपनी बात को यहीं से शुरुआत करता हूं, आइडियल ट्रांसफार्मर से। रेडी हो सभी लोग? ठीक। अब देखो सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, और जो पर्पस है स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का वो यही है कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो करंट कम हो जाएगी, और सिमिलरली आप इसी बेसिस पे आप कह सकते हो कि सर लॉसेस हमारे घट जाएंगे, ठीक है क्या। लेकिन बहुत हाई वोल्टेज हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम अपने सुटेबल वोल्टेज लेवल को पाने के लिए वापस स्टेप डाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? इसने ट्रांसमिशन लाइन को, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसने पूरे के पूरे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत ईजी बना दिया। हम बहुत बड़े जनरेटर से जनरेट करते हैं और आते आते आप अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर तक में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हो। मेरी बात क्लियर है? तो ये बहुत छोटी साइज बहुत बड़ी साइज हर जगह हमारी हमारे को फैसिलिटेट कर रहा है डिजायर्ड वोल्टेज लेवल, तो हम अपना कोई भी इक्विपमेंट डिजायर्ड वोल्टेज लेवल पे चला पाए, ठीक है। दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो कि ट्रांसफार्मर में आपको याद होने चाहिए। कौन से लॉ हैं भाई? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है? व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, whenever flux linking a coil changes with respect to time, then there will be a induced EMF across the coil, and induced EMF is given by plus minus n d phi by dt. क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, जहां पे आपका प्लस और माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ होता है। आई एम होपिंग कि यहां तक आपको सब कुछ पहले से याद है, मैंने जो बोल रहा हूँ वो आप जल्दी से रिकॉल कर पाए। क्लियर है क्या? बहुत बेहतरीन। अब हम लोग सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर को समझने के लिए, किसी भी मशीन को समझने के लिए जनरली हम लोग एक क्या करते हैं, आइडियल फॉर्मेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर देखें तो आइडियल ट्रांसफार्मर इज अ इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विद विच डज नॉट हैव एनी लॉसेज इन इट, मीन्स नो कोर लॉस, नो कॉपर लॉस, एनी अदर लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कंसिडर टू बी 100%, ठीक है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 लगा रखा है, इंड्यूस्ड EMF E1, वोल्टेज V1, और यहाँ पे E2 लगा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आइडियल ट्रांसफार्मर की देखते हैं और फिर इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे, बहुत ध्यान देना सर। थोड़ी थ्योरी बताऊंगा और फिर कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल के थ्रू इस थ्योरी को आपको क्लियर कर दूंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए वी हैव दिस टू बी द N1 नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस टू बी द N2 नंबर ऑफ टर्न्स। ओके सर, यहां इंड्यूस DMF E1 मान लेते हैं, इंड्यूस DMF E2, यहां हमने एक सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करना मान लेते हैं, ये हो गया हमारा लोड। So presently I am showing to you an ideal transformer. Voltage across load ले लेते हैं V2, ठीक है क्या। बहुत ध्यान देना बेटा, ये सब कुछ रिकॉल कराने की कोशिश है मेरी, बहुत ध्यान देना। देखो अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे इंड्यूस्ड DMF को। इंड्यूस्ड DMF, अगर सपोज करिए हमारा ये कोर है और इस कोर में एक टाइम वेरिंग फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है फाई, तो उसकी वजह से ये कॉयल्स पे फ्लक्स कटिंग होगा। अगर फ्लक्स लिंक कर रहा है विद अ कॉयल एंड फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल बी अ इंड्यूस्ड DMF ऑन टू द कॉयल, एंड द इंड्यूस्ड DMF ऑन टू द कॉयल इज प्लस माइनस एन डी फाई बाय डी टी, वेयर दिस प्लस एंड माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड DMF इज सच दैट इफ इट अलाउ टू कॉज अ करंट देन करंट सो प्रोड्यूस मस्ट अपोज द कॉज, ठीक है सर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सबको पता है राइट हैंड कर्ल रूल के बारे में। अगर कभी किसी वायर में करंट बहती है थंब की डायरेक्शन में तो राइट हैंड कर्ल इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर किसी कॉयल में करंट अगर राइट हैंड कर्ल की डायरेक्शन में बहती है देन थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
ओके यस सर। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर करंट बहे तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को, बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को, उसके लिए कॉइल में करंट इस राइट हैंड कर्ल में बहना चाहिए ताकि जो अंगूठे की डायरेक्शन में फ्लक्स आए, दैट इज द फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज गोइंग टू अपोज दिस फ्लक्स ऑफ आई, यस सर, एंड देयरफॉर करंट मस्ट बी इन दिस वे। सो इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अलाउड टू करंट टू फ्लो इन द winding, then induced EMF causes current in this direction. Is it okay? Always load will decide the polarity of induced EMF. Load को ये लगेगा कि यहाँ से भाई terminal से voltage जा रहा है और यहाँ जा रहा है, so it will be marked as plus and minus. Is it okay? Yes sir. अब आपने कहा sir same flux जो है वो यहाँ पर भी link कर रहा है, यहाँ पर भी EMF induce करेगा, यहाँ जो induced EMF करेगा उसे E2 कह दिया and that is again equals to N2 d phi by dt. Because flux is same, okay sir. So only the number of turns are different. So only the magnitude is going to be change of the E2. E1 and E2 are always going to be in the same phase. यहाँ तक मेरी बात clear है क्या? बहुत बेहतरीन सर। यहाँ पर जो current बहेगी वो curl की direction में बहेगी और वो इस instant पे इस flux को oppose करेगी. Instantaneous flux oppose करेगी. Yes sir. इसके हिसाब से current ऐसी बहनी चाहिए. अगर induced EMF current बहाए तो बहने वाली current ऐसी बहनी चाहिए जो oppose करे cos को. इसके हिसाब से आपने बोला सर this must be positive and this must be negative. बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? Yes sir. क्यों? क्योंकि load को तो यही terminal इस instant पे, because this is a instantaneous polarity. At the next half cycle when the flux is in this direction, then induced EMF polarity are going to be changed. क्या मेरी बात clear है? Yes sir. अब जो दो टर्मिनल्स पे पॉजिटिव आपको मिल रहा है या जो दो टर्मिनल्स पे नेगेटिव मिल रहा है, उन दो टर्मिनल्स को कहा जाता है सेम फेज के टर्मिनल्स। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी ऑफ दिस डॉट टर्मिनल एंड दिस डॉट टर्मिनल आर सेम एट एनी इंस्टेंट। जैसे अभी मैंने, जैसे मेरा फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स हमारा फाई है और अगर हमारा फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, ये हमारा फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है क्या? यस सर। सो अगर ये फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, लेट अस सपोज 50 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड मैंने कह दिया 20 मिली सेकेंड, ठीक है क्या? सो इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल बी अ इंड्यूस्ड डीएमएफ ऑन टू द कॉइल्स एंड द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ इज सच दैट इफ इट अलाउड टू कॉज अ करंट, then current so produced must oppose the cause as per the Lenz law. और आपने कहा सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर हाफ साइकिल में पोलैरिटी तो बदल जा रही, यानी अगर यहाँ के बाद इस वाले इंस्टेंट पे देखूं तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। यस सर। अब जब फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, उस समय अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पलट जाएगी, यानी आइदर बोथ द डॉट्स आर गोइंग टू बी नेगेटिव और बोथ द डॉट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। Instantaneous polarity of the two terminals are same, represented by dot. One more thing. क्या चीज़ सर? बहुत ध्यान से देखना। आपने कहा सर जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो करंट बहना चालू हो जाएगी। यस। जब ये करंट बहेगी तो यहाँ पे एक फ्लक्स बनाएगा। जी सर। जब ये करंट बहेगी तो यहाँ पे एक MMF आएगा। MMF आएगा तो MMF को आप फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो जो कि प्रोपोर्शनल होगा। MMF is N2 into I2. अब आई एम होपिंग कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बार्क सो यू नो अबाउट द एमएमएफ। इज इट ओके? अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू मस्ट हैव टू राइट दैट। बेटा आज आपके आज से ही चालू हो जाएंगे, ठीक है? सिंक्रोनस मशीन चल रहा था, सिंक्रोनस मशीन वापस एचपीसीएल का आज शाम से स्पेशल क्लास पर रिज्यूम हो जाएगा। फाई टू हो गया सर, अगर ये फाई टू हो गया तो सर यहां पर देखा जाए तो ये फ्लक्स इस फ्लक्स को कम करेगा। Overall magnetic energy which is stored in this ideal core is going to reduce. Then again this is going to draw current I1 which flows through N1 number of turns to create flux of I1 which is proportional to N1 into I1. So at every time N2 into I2 is going to be balanced by N1 into I1. अगर मैं यहाँ load current बढ़ाऊंगा, current बढ़ेगी, flux बढ़ेगा, अगर phi2 बढ़ेगा तो फिर phi1 भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात clear है? यस सर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंटली हमको एक बात समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली वर्क इन अ मैग्नेटिक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इट मींस इफ द करंट इज एंटरिंग, दिस इज द एक्चुअल करंट फ्लोइंग, द ग्रीन वन इज द एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग, हाउएवर द व्हाइट वन इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल करंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड
ओनली पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। तो आपने कहा सर यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो करंट है वो डॉट से एंटर कर रहा है? हाँ, और उसी समय यहां डॉट से करंट लीव कर रहा है। हमेशा इफ द करंट एंटर्स इन द वाइंडिंग थ्रू वन डॉट देन एट द सेम टाइम इन द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट वर्किंग एज अ ट्रांसफार्मर करंट इज लीविंग थ्रू द अदर डॉट। इन अगर आप नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखोगे तो करंट यहां लीव कर रहा होगा डॉट से, तो यहां पे करंट एंटर कर रहा होगा डॉट से। That is what we called magnetic subtractive polarity. Transformer can only operate in a magnetic subtractive polarity. Okay, sir. Now please see. आपने कहा सर induced EMF equation क्या आती है? When we put d phi by dt where phi is equals to phi m sin omega t, we get under root 2 pi f phi m into n, where phi m is the maximum value of the flux. ठीक है सर, और E क्या हो गया? E R M S. ये आपको RMS वैल्यू मिल गई, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है सर, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन से आप कह सकते हो सर E1 बाय N1 E बाय N इज अंडर रूट 2 पाई एफ फाई एम। यस सर, वेयर दिस एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, और यू कैन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, बोथ आर सेम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी विद विच flux is changing with the same frequency the polarity of induced EMF is changing. Is it okay? Yes sir. So in case agar aapne keh diya sir under root 2 pi f phi m hai, phi m if common, it means if flux is common for the windings working in a transformer mode. So if flux is common to yahan se aap keh sakte ho sir then EMF per term, this is what we call EMF per term. So EMF per term must be same. क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? जल्दी से बता देना फटाफट। क्वेश्चन पे चले। इलेक्ट्रिकल मशीन का फुल कोर्स आपका कब आएगा बेटा? ऑलरेडी अभी तो खत्म किया हूं यार इलेक्ट्रिकल मशीन का फुल कोर्स। लक्ष्य बैच यूट्यूब पे चल रहा है, प्लस पे मैंने अभी जस्ट एंड अप किया हुआ है। ठीक है, लास्ट मंथ पे मैंने एंड अप किया। इफ द फ्लक्स इज कॉमन देन ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम। अगर ईएमएफ पर टर्न सेम होगा तो आप बोलोगे सर ई1 बाय एन1 इज इक्वल्स टू ई2 बाय एन2। बहुत बेहतरीन, और यहां से आपने कहा सर हमारे पास आ गया ई1 बाय एन1 इज इक्वल्स टू ई2 बाय एन2। यहां से कह सकते हैं सर E1 by E2 is equals to, please be focused, N1 by N2. Okay, अच्छा ये two suffix का मतलब क्या होता है? Secondary मतलब load side, और one suffix का मतलब primary. तो अगर आप इसे कहोगे तो आप turn ratio कह सकते हो। Generally turn ratio is defined as HV by LV. However, 1 by transformation ratio, which is a K, is always represented by secondary to primary, irrespective of HV and LV. क्या मेरी बात क्लियर है? So, जब K यूज किया जाता है तो इसका मतलब secondary to primary. जब A यूज करते हैं तो इसका मतलब NV, NHV by NLV. Is it okay? Yes, sir. In general, you can remember in that way that A is equals to 1 by K. अच्छा जी सर, यहां से आपने कहा सर इसको हम लोग टर्न रेशियो कहते हैं। आपको टर्न रेशियो समझ आया? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा अच्छे तरीके से यहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। टर्न रेशियो के बाद बात करते हैं एमएमएफ बैलेंस। फ्रॉम एमएमएफ बैलेंस, अगर हम एमएमएफ बैलेंस की बात करें तो एमएमएफ बैलेंस क्या होगा? आपने कहा सर आइडियल ट्रांसफॉर्मर था, जी। सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एमएमएफ बैलेंस होता है N1I1 इज इक्वल टू N2I2। अच्छा, यही प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता तो नो लोड पे जो एमएमएफ बना उसको भी प्राइमरी ही सप्लाई करता, यहां पे ऐड कर देता। ठीक है क्या? जी सर। यहां से आपने कहा सर हमारे पास रिलेशन आ गया आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के रिलेशन क्या है? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर यू कैन से सर V1 बाय E1 बाय E2 सेम एज V1 बाय V2 बिकॉज वाइंडिंग्स विल हैव नो रेजिस्टेंस नो लीकेज रिएक्टेंस एंड दैट इज इक्वल्स टू N1 बाय N2 I2 by I1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? टर्न रेशियो।
आई एम होपिंग कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, ईएमएफ पर टर्न वाला और साथ ही साथ डॉट पोलैरिटी वाला, लेंज लॉ के साथ साथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एमएमएफ बैलेंस, ये इतने कंसेप्ट मैंने छोटी सी क्लास में भी डिलीवर किया है। होपिंग कि यहां तक आपको समझ आया, बहुत बेहतरीन। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर का। हम लोग देखिए, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मौजूद रहेगी, तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आप लिख नहीं पा रहे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं इस बार शेयर करने वाला हूं आपको। कहां पे शेयर करूंगा ये भी मैं बता देता हूं, मैं शेयर करूंगा जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूं वो अपने टेलीग्राम पे। तो मेरे टेलीग्राम से आपको फैसिलिटी है कि आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आप अगर लिख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है या कंसेप्ट का रिवीजन ज्यादा जरूरी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ना डॉट पोलैरिटी ईएमएफ पर टर्न को अच्छे से भर देता है। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन को देख लो जरा। प्रॉपरली विजिबल है बेटा, प्रॉपरली विजिबल है बिजी सर। ए बी एंड सी आर द थ्री वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पीएस भीमराव में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था, उसी से कुछ मिक्सअप करता हुआ है, ठीक है, अनसॉल्व्ड में से। ए बी एंड सी आर द थ्री वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैविंग 200, 160 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए, द वोल्टेज दैट डेवलप्स अक्रॉस एक्स वाई इज। यहां पर टर्मिनल आपको एक्स दिया है, यहां पर टर्मिनल आपको वाई दिया हुआ है, ठीक है क्या जी सर? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां आपको 100 वोल्ट दे दिया है, ए बी और सी दिया है। जब तक कोर सेम रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक कोर सेम रहता है तब तक हम बोलते हैं फ्लक्स कॉमन है। जब तक कोर सेम रहता है तब तक यही फ्लक्स आपका हर जगह लिंकअप करने वाला है, ठीक है क्या? यस सर। सो जब तक कोर सेम है तब तक फ्लक्स कॉमन है, जब तक फ्लक्स कॉमन है तब तक ईएमएफ पर टर्न सेम है। तो आप कह सकते हो सर इसके सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां पे, फॉर कॉमन फ्लक्स ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम। बेटा सेशन शेयर कर देना, बहुत जबरदस्त सेशन है, छोटे में पूरा। अगर आपने लक्ष्य बैच में ट्रांसफॉर्मर पढ़ा तो एक बार पूरा रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाने वाला है, आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है, वो भी महज एक घंटे में। विजिबल है, बहुत बढ़िया सर। लक्ष्य बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, कब होगा अभिषेक? बेटा देखो दो बात है, पहली बात तो यह है कि YouTube का बैच जो होता है वो कैसा बैच है, फ्री बैच है। सो फ्री बैच इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, हाँ जी, चॉइस। बट व्हेन यू आर गोइंग इन अ पेड बैच देन दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर मस्ट हैव टू फुलफिल दैट। मेरी बात समझ पाए क्या? ठीक। तो अगर YouTube पे हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि रेगुलर रहें, बट कभी कभी नहीं हो पाता रेगुलरिटी, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा वो मत करिए। आपका मैंने कह रखा है लक्ष्य बैच में पूरा मशीन कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, ठीक। हाँ, सैटरडे संडे आपका चलता है, कल संडे को नहीं हो पाई थी क्लास, वो आपकी फिर आप अगले सैटरडे को होगी और ट्रांसफॉर्मर आपका अगले सैटरडे संडे पूरा होगा। कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक, आई एम होपिंग, हम लोग ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, यूट्यूब पे मैं पूरा लक्ष्य बैच आपका कंप्लीट करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए वापस आ जाते हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं यूट्यूब पे। फॉर अ कॉमन फ्लक्स ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम, सो इसका मतलब क्या हुआ, ईवन बाय एन वन इज इक्वल्स टू ई टू बाय एन टू इज इक्वल्स टू ई थ्री बाय एन थ्री। अब आप बोलोगे सर अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ पर टर्न सेम है तो, अरे बेटा बिल्कुल खुश हो जाओ, हाँ ठीक है, ईएमएफ पर टर्न अगर सेम है तो ईएमएफ पर टर्न सेम होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज कितना होगा? सर देखो यहां पर ई1 मान लेता हूं, यहां पर ई2 मान लेता हूं, यहां पर ई3 मान लेता हूं। इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपने मार्क कर रखा है, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी ऑफ फ्लक्स जो आपने दिखा रखा है उसके हिसाब से आपने कह दिया सर, ये देखो यहां पर जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ऐसा होगा कि अगर करंट बहाए तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि अगर करंट बहाए तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि अगर करंट बहाए तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को। इसके हिसाब से आपने कहा सर अगर हम पोलैरिटी मार्क करें तो ये प्लस माइनस, जहाँ से करंट आ रही है वो लोड को पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई देगा, ये प्लस माइनस और ये आपका प्लस माइनस। आपने कहा डॉट मार्क कर दो, भाई डॉट मार्क कर दिया सर, यहाँ पे डॉट होगा,
यहाँ पे डॉट होगा और यहाँ पे डॉट होगा, अगर ये तीन अलग अलग वाइंडिंग्स हैं तो। जी सर, अब आपने कह दिया सर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा सेम फेज में होता है, ये अगर 100 वोल्ट है आपका तो यहाँ पर आपका ईवन क्या हो जाएगा 100 वोल्ट, चलिए मान लिया 100 वोल्ट, अगर ईवन 100 वोल्ट है तो E2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, E2 हो जाएगा N2 बाय N1 इनटू E1, क्योंकि ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लिया, यानी कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसी के हिसाब से हमेशा आगे बढ़ना होता है। ठीक, तो आपने कहा सर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो V1 और E1 बराबर हो गया, आपने यहाँ उठा कर रख दिया, ये आ गया आपका N2। N2 कितना है भाई, टर्न रेशियो की बात करें तो N1 आपका NA जो है उसी को N1 कह दिया हूं, यानी 200 टर्न्स, 100 टर्न्स एंड 60 टर्न्स, सो 100 बाय 200 इनटू 100 मींस 50। सिमिलरली आपने कहा सर अगर हम E3 को देखें तो E3 क्या हो जाएगा, E3 will be equals to, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, N3 by N1 into E1, so this will be equals to 60 by 200 into 100, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 30 वोल्ट। बहुत बढ़िया सर, अब आपने कहा सर अगर हम XY के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं तो XY के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, XY के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, E2 अगर हम यहाँ लूप इक्वेशन देखें तो पोलैरिटी के हिसाब से माइनस ऑफ E3, मतलब कितना आ गया बेटा 50 माइनस 30 20 वोल्ट। अब पता है बार्क में मैं इस टाइप के क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ठीक, और आता भी है ऐसा ही, क्यों पता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से आपको इसने हर एक चीज़ को जज कर लिया, EMF पर टर्न का कंसेप्ट चेक किया, आइडियल ट्रांसफार्मर को चेक कर लिया और साथ ही साथ आपसे पोलैरिटी कंसेप्ट को चेक कर लिया। इतना ही नहीं, आपको ये बताने की भी कोशिश की गई कि एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, अगर आप याद करें तो एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स में ऐसा नहीं होता कि एक लिंब पे प्राइमरी और एक लिंब पे सेकेंडरी, एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेम लिंब पे पहले LV लपेटी जाती है और उसी के ऊपर HV लपेटी जाती है। So, अगर आपने वे ऑफ वाइंडिंग जो हम लोग वाउंड करते हैं उसका जो डायरेक्शन है घुमाने का, अगर वे ऑफ वाइंडिंग आपने प्रॉपरली नहीं की तो क्या होगा सर, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर गेटिंग जीरो वोल्टेज। क्या मेरी बात क्लियर है, सो दिस डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, डॉट डिपेंड्स द वे ऑफ वाइंडिंग। क्या यहां तक मेरी बात अच्छे से क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को, बहुत बेहतरीन। यस सर, डॉट समझ में आया, डॉट मार्क करना समझ में आया, पोलैरिटी मार्क करना समझ में आया। अच्छा, ये बंदे ने क्या गलती करी है, इसने ना ठीक से कनेक्शन नहीं किया, इसको अगर कनेक्शन करना ही था तो ये वाला जो तार है उसको यहां जोड़ना चाहिए था और ये वाला जो तार है उसके और इसके बीच में जो है हमको निकालना चाहिए था वोल्टेज। तो अगर हम ऐसा किए होते कि प्रॉपर कनेक्शन किए होते, प्रॉपर कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर यहां से ये वाला टर्मिनल यहां जोड़ने के बजाय इस वाले पे जुड़ा होता और यहां से आउटपुट ले रहे होते तो हमारा ये 80 वोल्ट्स मिलता, टोटल 160 टर्न्स का यूज हुआ है यहां पे, है ना, 100 और 60, लेकिन वोल्टेज कितना मिल रहा है 20, तो ये तो खराब हो गया ना, कॉपर लॉस हो रहा है बेकार में, अननेसेसरली आप इसको बढ़ा रखे हो, जो 20 टर्न में हो सकता था उसके लिए, जो 40 टर्न्स में हो सकता था उसके लिए 160 टर्न्स यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होपिंग कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई है। Can I move further? Just make a thumb in the comment section. It makes me understand कि हाँ जी आप समझ गए सर, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बेटा गेट 2 मार्क्स से प्रैक्टिस करो, गेट 1 मार्क्स से प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। बार्क में कैलकुलेटर है तो आपका बढ़िया ही क्वेश्चन आएगा और मशीन का तो अच्छा ही क्वेश्चन आएगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखता हूं, देखूं मेरी बात आपको कितनी समझ में आई है, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आउट करने की कोशिश कर दीजिए, चलो चलो फटाफट, सेशन को शेयर भी कर दो यार, और डिसलाइक वाले लोग भाई कम से कम कारण लिख दिया करो डिसलाइक होने का, है ना। चलिए, सभी जो लाइक करें उनके लिए भी बहुत बहुत मतलब दिल से दुआ है कि उनका सिलेक्शन हो, जो डिसलाइक करें उनका भी दिल से दुआ है कि उनका भी सिलेक्शन, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो फटाफट क्वेश्चन देखो जरा,
टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद अ टर्न रेशियो 1 and 2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू अ 3 फेज सप्लाई। क्या किया अभी आपने देखा था ना ट्रांसफॉर्मर, यही वाला है ऐसे कुछ होगा है ना। इसको उठा के क्या किया, इसमें से टर्मिनल निकाले और वो टर्मिनल को उठा के कहां जोड़ दिया, 3 फेज से। उसके बाद यहां पर उठा के एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया। आपसे पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर जो दिखाई दे रहा है उसमें आपकी रीडिंग कितनी आएगी। यहां पर टर्न रेशियो दिया है ये वाले ट्रांसफॉर्मर का 1:2, छोटा सा डॉट यहां पे मेंशन है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर भी डॉट मेंशन है, ये डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है। यहां पर रेशियो आपको दिया है 1:1 का। आपसे पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी भाई, आपने कहा सर देखो इंड्यूस ईएमएफ सेम फेज में होता है तो यहां प्लस माइनस इंड्यूस ईएमएफ अगर मान लिया जाए इंस्टेंटेनियसली ठीक, तो यहां पर प्लस माइनस होगा। यस सर, इंड्यूस ईएमएफ सेम फेज में होता है, इसका मतलब यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा 100 है। आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करें क्योंकि बाकी कुछ दिया नहीं हुआ है, तो यहां भी कितना हो जाएगा 100 एट एन एंगल 0 डिग्री, सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। जी सर, इंड्यूस ईएमएफ सेम फेज में होगा ट्रांसफार्मर बंद का। ट्रांसफार्मर टू की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर टू जो है उसमें एक आपका मिल गया कितना 100 एट एन एंगल 120 और दूसरा ये भी उसी फेज में होगा, डॉट्स आपके पॉजिटिव होंगे है ना। जी सर, और इस हिसाब से आप कह सकते हो सर यहाँ पे वोल्टेज हमें कितना मिलेगा 200 एट एन एंगल 120। अब आपने बोला सर हमारे पास 100 एट एन एंगल 120 है और 200 एट एन एंगल 120 है, आज डॉट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होने वाले हैं सर, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा सर, टोटल वोल्ट मीटर जो रीड करने वाला है वो हो जाएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर सम ऑफ वी 100 वोल्ट एट एन एंगल 0 प्लस ऑफ 200 एट एन एंगल 120। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बेटा, काम खत्म, यही तो वोल्ट मीटर रीड करेगा। फटाफट बता दो कितना आया बेटा, कितना आया 173। अरे बोलो क्या ये समझ आया, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई इस टाइप का ना इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना, इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। डॉट्स को लेकर के आपके साथ ये थोड़ा बहुत खेल सकते हैं ठीक है, थ्री फेज सिंगल फेज या अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके। तो बी रेडी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डॉट पोलैरिटी कंसेप्ट, दैट इज ओके। यहां तक मेरी बात क्लियर है, क्या बहुत बेहतरीन। जी सर, आपकी बात बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है। तो क्लियर है तो देखो एक और चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, क्या दिखाने चल रहे हैं सर आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं इक्विवेलेंट मॉडल, आई एम होपिंग कि ये विजिबल है, बढ़िया से देखिएगा जरा। इक्विवेलेंट मॉडल क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल का यूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल है उसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। बेसिकली ये जो वाइंडिंग्स थी हमारी N1 और N2, इन वाइंडिंग्स में जो हमने कॉइल यूज की है N1 और N2 पे, उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रिएक्टेंस होगा। तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को हम लोग लीकेज रेजिस्टेंस कहते हैं, तो प्राइमरी का अलग सेकेंडरी का अलग। इसी तरह से जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करेगा वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करे, इसका मतलब कुछ ऐसा फ्लक्स भी होगा जो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करेगा वो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स कहलाएगा, और कुछ ऐसा फ्लक्स होगा जो सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा वो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कहलाएगा। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स को प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस के रूप में दिखाया जाता है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स को सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है क्या। जी सर, जब भी हम कभी पावर इनपुट में पावर देंगे तो उतनी ही पावर हमारी आउटपुट में नहीं मिलेगी, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉसेस। अब एक्चुअल ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें कुछ लॉसेस भी होंगे, कौन से लॉसेस होते हैं, बेसिकली कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस तो आप वायर के रेजिस्टेंस के रूप में ही दिखा दिए हो, तो वहां पे कॉपर लॉस हो रहा हुआ नजर आएगा, लेकिन कोर लॉस को दिखाने के लिए शंट में एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है क्या, जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है। अभी आगे हम लोग चल के देखेंगे भी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज डिपेंडेंट लॉस होता है। म्यूचुअल फ्लक्स को दिखाने के लिए मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक पैरेलल में ब्रांच दिखाई जाती है। यहां तक मेरी बात क्लियर है। यहां पर जो MMF बैलेंस होता है वो N1 I1 is equals to N2 I2 plus of N2
I नॉट, या फिर आप कह सकते हो N2 I2 plus of N1 I नॉट का फेजर सम होता है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए हम लोग इसी पे आ जाते हैं। यहां पर आपको मैंने दिखा रखा था, वापस आ जाता हूं मैं इस इलेक्ट्रिकल मॉडल पे और इलेक्ट्रिकल मॉडल के बारे में थोड़ा सीखते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक। तो सर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब लिख रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा बेटा, बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन रखा हूं आपके लिए जो कि कंसेप्ट को बिल्कुल बढ़िया कर दे। देखो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये जो कॉयल हम यूज कर रहे हैं ना, ये कॉयल में क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस क्या चीज सर? जो लीकेज फ्लक्स, जो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को फ्लक्स लिंक करे, सेकेंडरी को लिंक ना करे, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। लीकेज फ्लक्स को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लीकेज रिएक्टेंस दिखाते हैं XL1, या फिर जनरली इसको आप सीधे X1 कह दो। प्राइमरी मतलब सोर्स साइड होता है और सेकेंडरी का मतलब लोड साइड होता है, ठीक है क्या? यस सर। सिमिलरली ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका भी क्या होगा, कुछ लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का मतलब ऐसा फ्लक्स जो सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, प्राइमरी को लिंक नहीं करेगा। उस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने रिएक्टेंस दिखा दिया, इस रिएक्टेंस को नाम दे दिया X2। और ये जो वायर है R इज इक्वल टू रो, इस R इज इक्वल टू L बाई, इस वायर का दिखा दिया और उसको नाम दे दिया R2। यहां हम लोड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये लोड के लिए टर्मिनल्स दिखा दिया। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग कह देते हैं V2, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसे हम लोग कह देते हैं E2। यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसे E1 दिखाऊंगा, और जो सप्लाई वोल्टेज लगाऊंगा उसे मैं कह देता हूं V1। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिएगा। शेयर कर दिया हूं सर, मल्टीपल टाइम कर दो भाई। चलो यहां देखो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 मैंने यहां पर दे दिया, लेट अस सपोज N1 इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। अब अगर हम ये ओपन सर्किटेड भी रखेंगे तब भी ट्रांसफार्मर नो लोड पे करंट लेगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड पे करंट क्यों लेता है? क्योंकि नो लोड लॉसेस को पूरा करेगा और साथ ही साथ आपका फ्लक्स सेटअप करेगा कोर में। तो नो लोड की कंडीशन में यहां पे करंट बहेगी, और वो करंट अगर इंस्टेंटेनियस करंट मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में बहेगी, तो ये बहने वाली करंट एक फ्लक्स क्रिएट करेगी। ये फ्लक्स अगर हम देखें तो इस थंब की डायरेक्शन में आएगा। अगर कॉइल करंट अगर किसी कॉइल में कर्ल की डायरेक्शन में है राइट हैंड के, तो राइट हैंड थंब की डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा बेटा, फ्लक्स आ जाएगा, या एमएमएफ आप कह सकते हो, एमएमएफ आएगा। और एमएमएफ की ही डायरेक्शन में हम लोग फील्ड दिखा देते हैं, फ्लक्स दिखा देते हैं। तो यहां पे मैं फ्लक्स दिखा दिया फाइव, ठीक है क्या? अच्छा, कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है एक वेबर में? 10^8, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। यहां से आपने कहा सर हमारा जो ये फ्लक्स है वो, अगर मान लीजिए ये हमारा फ्लक्स हमने दिखा दिया, तो इस डायरेक्शन में फील्ड आए। अब इसके हिसाब से यहां पर एक इंड्यूस डीएमएफ आएगा दोनों पे, E1 और E2। यहां जो इंड्यूस डीएमएफ आएगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि अगर करंट बहे तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉज को। तो ये हाइपोथेटिकल करंट बहा लेता हूं। ये हाइपोथेटिकल करंट क्यों बहाया हूं? ताकि पोलैरिटी मार्क कर सकूं E1 की, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी E1 की ये आई। यानी अगर जो फ्लक्स आपका यहां पर है वो एसी नेचर का है, क्योंकि जो ये करंट है वो एसी नेचर की है, नो लोड करंट, और इस फ्लक्स के लिंक करने की वजह से यहां इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अगर इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी देखी जाए, तो इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी करंट ऐसे बहेगी कि अपोज करे कॉस को, यानी इस वाले फ्लक्स को अपोज करे, और इसके हिसाब से करंट की मैंने पोलैरिटी, इंड्यूस ईएमएफ की मैंने पोलैरिटी मार्क करी। सिमिलरली एट द सेम टाइम यही फ्लक्स इसे भी लिंक करेगा, यहां पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि अगर करंट बहे तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को, इंस्टेंटेनियसली इस फ्लक्स को अपोज करेगी, ठीक है क्या? जहां जहां पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दिया इंड्यूस ईएमएफ का, उसे आप डॉट से दिखा दो या नेगेटिव पे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक जगह पे आप दिखा सकते हो। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब अगर मान लीजिए हमने लोड नहीं लगाया तब भी एक करंट बह रही है, इस करंट को हम लोग कहते हैं नो लोड करंट। सो अंडर नो लोड कंडीशन, अगर नो लोड कंडीशन की बात करें तो जो हमारी करंट बहती है आई नॉट, उसे कहा जाता है नो लोड करंट। नो लोड करंट हमारी 2-5% ऑफ फुल लोड करंट होती है, 2-5% ऑफ फुल लोड करंट होती है, एंड 80-85 degree लैगिंग होती है। क्यों सर? क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द करंट इज यूज टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। क्या मेरी बात समझ पाए? जी सर, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर यहां से हमारे पास
नो लोड कंडीशन में पता चल गई करंट 2 to 5% है, 80 to 85 डिग्री लैगिंग होगी, ठीक है क्या? नो लोड करंट जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्पोनेंट से इलेक्ट्रिकल मॉडल में, एक होता है आईसी और आईएम। ये आईसी क्या है, आईसी इज रिप्रेजेंटिंग कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड आईएम इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ओके सर, मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ नो लोड करंट डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइप ऑफ मटेरियल चूजन फॉर द ट्रांसफॉर्मर कोर। पर्पज ऑफ दिस कोर इज टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लक्स सो दैट कि हमारा जो है वो लीकेज कम से कम हो, ठीक। अच्छा जी सर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा लोड कनेक्टेड है और I2 करंट आ गई, तो I2 आने वाली करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लक्स ऑफ I2 प्रोड्यूस करेगी जो कि प्रोपोर्शनल होगा N2 I2 के, और इसी इंस्टेंट पे यहां पर जैसे ही फ्लक्स कम होगा ये I1 खींचने लग जाएगा और I1 करंट यहां पर बहते हुए फ्लक्स बनाएगी phi1 जो कि प्रोपोर्शनल होगा N1 I1 के। सो N1 I1 फ्लक्स जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा, N1 I1 फ्लक्स आपका इक्वल होगा phi प्लस phi2 के, कह सकता हूं मैं, यस सर, फाई को फाई नॉट कह देता हूं, यानी नो लोड में फ्लक्स, यस सर। तो यहां से हमारे पास एमएमएफ बैलेंस से आ गया, फ्रॉम एमएमएफ बैलेंस, फ्रॉम एमएमएफ बैलेंस आपने कहा सर हम कह सकते हैं एमएमएफ प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज इक्वल टू एमएमएफ प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन प्लस एमएमएफ डिमांडेड बाय द लोड। अब तुम्हें पता है अगर लोड करंट जीरो हुई ना तो जो नो लोड करंट, जो करंट वो लेगा सप्लाई से वही नो लोड करंट कहला जाती है। यहां से आपने कहा सर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए I1 को कह सकते हैं I नॉट प्लस ऑफ I2 बाय A का फेजर सम, यस ऑफ कोर्स, क्या मेरी बात क्लियर है? जहां A क्या है सर, जहां A क्या है सर, A है बेटा आपका N1 बाय N2। अगर आप k के टर्म में लिखोगे तो ये आपका I नॉट प्लस ऑफ k इंटू I2 आप कह सकते हो, क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, बहुत बेहतरीन, यस सर, एमएमएफ बैलेंस समझ में आया। इसके हिसाब से सर ये हो रहा है कि कोर में जो फ्लक्स है वो हमेशा नो लोड एमएमएफ ही मेंटेन कर रहा है, सो कोर एमएमएफ इज ऑलवेज नो लोड एमएमएफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लोड, कोर एमएमएफ इज ऑलवेज अ नो लोड एमएमएफ। इफ यू आर इंक्रीजिंग लोड देन सोर्स इज एमएमएफ इज इंक्रीजिंग इन द कोर एमएमएफ विल रिमेन, हाँ जी, नो लोड एमएमएफ, यानी जो आपका फ्लक्स अगर मैं बोलूं तो कोर में फ्लक्स हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट, ना 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 ना, कोर में फ्लक्स हमेशा क्या है सर, कोर में फ्लक्स हमेशा नो लोड फ्लक्स ही मेंटेन हो रहा है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाई द लोड, सो इन टर्म्स ऑफ लोड यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर फ्लक्स विल रिमेन फाइव एम, दैट इज नो लोड फ्लक्स। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। यहां से आप कह सकते हो सर एमएमएफ बैलेंस के बाद फॉर कॉमन फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, कॉमन फ्लक्स है, यस सर, कॉमन फ्लक्स का मतलब हुआ कॉमन फ्लक्स ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम, और ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम का मतलब आप यहां पे फिर से कह सकते हो सर ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एन वन बाय एन टू, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सो जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिकल मॉडल शो किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक साइड में रेफर अप कर सकते हैं हम, नो लोड करंट के बारे में हमें पता चल गया, हमें वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस के बारे में पता है, सो अब हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल मॉडल से। सो अगर इलेक्ट्रिकल मॉडल देखा जाए तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो डिफरेंट अप्रोच है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, फिर आप यहाँ पे दिखा सकते हो नो लोड ब्रांच, नो लोड ब्रांच, ओके सर, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो एक रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, एंड देन वी रिप्रेजेंट एन आइडियल ट्रांसफार्मर, वी पुट ऑल द प्रैक्टिकलिटीज ऑन वन साइड एंड रिप्रेजेंट द ट्रांसफार्मर टू बी अ आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप V2 दिखा सकते हो, यस सर,
EMF, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है आपका, A is to 1 टर्न रेशियो मान लो, ठीक है सर। तो अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, N1 is to N2 लिख देता हूँ, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो गया AV2, आप यहाँ पे जो भी लोड लगाओगे उसे हम लोग इस साइड में AV2 के रूप में देख लेंगे। ये हो गया आपका A² R2 एंड JA² X2, where A is N1/N2। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हो गया आपके पास XM RC X1 R1 और V1। सो दिस इज द ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मॉडल या एग्जैक्ट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मॉडल। पर जनरली अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर है बेटा, आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। सारी प्रैक्टिकलिटीज को आप किसी एक साइड में रख सकते हो, HV साइड या LV साइड, और उसके बाद आप ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ आइडियल ट्रांसफार्मर। यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? जी सर। सर PSU सेफ रैंक इन EE? बेटा इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ PSU सीट्स, ठीक है। बट हाँ, ऑफकोर्स इफ यू आर गेटिंग अंडर 100 देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ कॉल, ठीक है। कम से कम सीट होने पे भी आपके पास संभावना है कि कॉल आ ही जाएगी। तो 2 digit रैंक की कोशिश करना है, बस उतने से काम बन जाएगा आपका। देखो जरा यहां से आप कह सकते हो सर अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल निकालें तो अप्रोक्सीमेट मॉडल हम इस तरह से शो कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस शंट ब्रांच करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड वोल्टेज। If no load is a rated voltage, we will represent this branch correspond to no load. If full load is a rated voltage, we will represent this branch in parallel to full load. ठीक? Yes sir. अभी फिलहाल मैं no load as a rated मानते हुए यहाँ पर जो है मैं shunt branch को show कर दे रहा हूँ, ठीक है। So ये आपके पास हो गया transformer का electrical equivalent model. This is your JX equivalent, that is X1 plus A² X2. And R equivalent, that is R1 plus A² R2. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यहां से आपने कहा सर हम सारी प्रैक्टिकलिटीज को एक साइड में रख दिए हैं और अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वी कैन यूज द अप्रोक्सीमेट मॉडल फॉर अ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या किया है, आई नॉट आर वन प्लस जे एक्स वन ड्रॉप को निग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि आई नॉट बहुत छोटी होती है, ओनली 2-5% ऑफ फुल लोड करें, ठीक है सर। ये हमारा हो गया, हाँ जी, आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब आपने कहा सर यहाँ पे जो आपने A² R2 और A² X2 लिखा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप एक साइड से हाँ जी दूसरी साइड में उसका इम्पिडेंस को ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट लाइक इट इज एक्टिंग एज अ इमेज। लाइक आप दूरबीन से कैमरा, दूरबीन से अगर आप देखते हो तो क्या होता है, आप दूरबीन से देख रहे हो तो किसी दूर की चीज को आप क्या करते हो, बड़ा करके देख लेते हो, है ना, मतलब छोटी चीज जो दिखाई दे रही है वो बड़ी, इसको बोलते हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे यहां पर इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है HV टू LV और LV टू HV। क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। अगर हम इम्पिडेंस को HV साइड में रेफर करते हैं तो और LV साइड में रेफर करते हैं तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यह है इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, अगर इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो सपोज करिए हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। लेट अस सपोज इधर आपके N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इधर आपके N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है क्या? यस सर। अब मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई भी पैरामीटर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ इंपीडेंस ही क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं मैं, ठीक है, पैरामीटर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अब कोई भी पैरामीटर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक वोल्टेज पैरामीटर ट्रांसफॉर्म करना है,
तो उसको V डैश कहते हैं। V डैश क्या होगा? A इंटू वी। अगर करंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो करंट आप एक एच वी से एल वी या एल वी से एच वी, प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी अगर ट्रांसफॉर्म करें तो सिंपली I से A से डिवाइड कर दें। ठीक है सर, अगर आपको इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आपको रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अब ए क्या होगा, हमेशा के लिए याद कर लिए, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस। ठीक ठीक है सर, ए क्या होगा, अगर आप सपोज करिए आप जा रहे हो एन वन से एन टू की साइड में, वोल्टेज को अगर ट्रांसफर कर रहे हो एन वन से एन टू की साइड में, या फिर करंट को ट्रांसफर कर रहे हो एन वन से एन टू की साइड में, इंपीडेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हो एन वन से एन टू की साइड में, तो ए क्या रख देना, जिधर जा रहे हो उधर का नंबर ऑफ टर्न न्यूमरेटर में, और जिधर से जा रहे हो उधर का नंबर ऑफ टर्न डिनोमिनेटर में, काम खत्म। ठीक, ये हो गया आपका प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, सेकेंडरी टू प्राइमरी अगर आपको आना हो तो क्या करोगे, बस ए को ध्यान रखना। ए क्या हो जाएगा, जिस साइड आ रहे हो उस साइड का नंबर ऑफ टर्न न्यूमरेटर में रखना, जिस साइड से आ रहे हो उस साइड का नंबर ऑफ टर्न डिनोमिनेटर में रख लेना, बात खत्म। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हमेशा के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज को ए से मल्टीप्लाई, करंट को ए से डिवाइड, इंपीडेंस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, रिएक्टेंस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बहुत बेहतरीन सर, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल के क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखो फटाफट आपको कितना समझ में आया मुझे बताना, प्रॉपरली विजिबल है क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल है, HPCL सेफ मार्क्स आउट ऑफ 170, HPCL सेफ मार्क्स, देखो 60% तो उन्होंने क्राइटेरिया खुद ही रखा है, मेरे हिसाब से आपको कोशिश करना चाहिए 70-75% से ऊपर आप करके आओ, बस 60 का क्राइटेरिया उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही सेट कर दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स ही 60% कर दिया, तो अब आप ये मान के चलो कि, और साथ ही साथ सेक्शंस का ध्यान रखना क्योंकि सेक्शन वाइज भी ध्यान रखना है, तो आप 70% मान के चलो, अगर आप पेपर 70% कर लेते तो मैं मानूंगा कि आपका होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या है सर, फॉलोइंग टेबल्स प्रोवाइड्स द वैल्यूज ऑफ द वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ अ 25 kVA 2200x220V 50Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग 2.5 ओम, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग 3.8 ओम, सेकेंडरी वाइंडिंग 0.015 ओम, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग 0.052। द इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू एचवी साइड इज, द इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू एचवी साइड इज, यहां पे एचवी साइड और एलवी साइड क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले रेटिंग का मतलब क्या होता है, 25 kVA का मतलब क्या है, 25 kVA का मतलब है दिस ट्रांसफार्मर कैन मैक्सिमम सप्लाई 25 kVA, 25 kVA इज द आउटपुट पावर, दिस ट्रांसफार्मर कैन मैक्सिमम सप्लाई 25 kVA। अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि सर हमारा ट्रांसफार्मर 25 kVA का है, तो इसका मतलब है हमारा ट्रांसफार्मर 25 kVA मैक्सिमम सेफ आउटपुट दे सकता है। सेफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ सर, बेसिकली जो वाइंडिंग्स बनाई गई हैं उनका कुछ उनपे इंसुलेशन रखा गया है, जो वाइंडिंग्स बनाई गई उनका कुछ प्रॉपर थिकनेस है जिसके, जो कि करंट रेटिंग को डिसाइड करता है, और साथ ही साथ वाइंडिंग्स विच इज वाउंडेड ओवर अ कोर विल प्रोवाइडेड अ सर्टेन इंसुलेशन अप टू सर्टेन वोल्टेज। ठीक है क्या, और वो इंसुलेशन लेवल वोल्टेज डिफाइन करता है। ठीक है, उसी के बेसिस पर रेटिंग होती है, यानी सेफर वैल्यू तक अगर आप ट्रांसफार्मर को रन कराते हो तो आपका ट्रांसफार्मर सेफली कितना आउटपुट दे सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सो जो डिजाइंड है सेफली आपका, वही आपका रेटेड कहलाता है। अब आपने कहा सर अगर एस आउट की बात करें तो यहां पर 25 kVA का मतलब है ट्रांसफार्मर 25 kVA का आउटपुट पावर दे सकता है। इसका मतलब इनपुट पावर क्या होगा, अब देखो यहां पे कुछ ना कुछ एक्टिव पावर लॉस होगा, यहां एक्टिव पावर लॉस होगा, यहां एक्टिव पावर लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे एक्टिव पावर अधिक होगा कंपैरेटिव टू द आउटपुट। यस सर। रिएक्टिव पावर यहां कुछ स्टोर करेगा, यहां कुछ स्टोर करेगा, यहां कुछ स्टोर करेगा, रिएक्टिव पावर का भी डिफरेंस आएगा इनपुट और आउटपुट में। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो इनपुट केवीए होगा वो जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा होगा कंपैरेटिव टू द आउटपुट केवीए। हमारा इनपुट केवीए नहीं मेंशन होता, क्या मेंशन होता है, आउटपुट केवीए। रेटेड केवीए इज आउटपुट केवीए, इट मींस द ट्रांसफार्मर कैन मैक्सिमम सप्लाई सेफली अप टू 25 केवीए।
25 केवी के नीचे तो सप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सेफली. 25 केवी के ऊपर जाओगे तो फिर ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू बी आइदर हाई वोल्टेज स्ट्रेस और हाई करंट स्ट्रेस में ट्रांसफार्मर विल गेट डैमेज. यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर. अब यहां पर आपने कहा सर हमें रेटिंग का मतलब समझ में आया. अब रेटिंग कैसे हम लोग यहां पर देखते हैं सर, यहां पर साथ ही साथ एक वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई. वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है? यहां पे वोल्टेज दे रखा है 2200 वोल्ट्स और यहां पे वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट्स. इसका मतलब क्या है? जनरली ये वोल्टेज रेशियोज फुल लोड है, मींस ऑन टू द एलवी साइड. इफ द लोड इज कनेक्टेड ऑन टू द एलवी साइड, इसका मतलब ये है कि अगर लोड आप यहां कनेक्ट करोगे तो ये मैक्सिमम केवीए जो आउट दे सकता है वो 25 केवीए देगा. और किस वोल्टेज लेवल पे दे सकता है? 220 वोल्ट्स के लेवल पे दे सकता है. अगर ये 220 वोल्ट्स के लेवल पे आउटपुट केवीए दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या हो गया? फुल लोड वोल्टेज. ठीक है क्या? यस सर. यही ट्रांसफार्मर अगर एलवी साइड से एक्साइट करें और एचवी साइड में देखें तो एचवी साइड में भी ये ट्रांसफार्मर जो है वो मैक्सिमम 25 केवीए ही दे सकता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देख लीजिए. मतलब कहने का ये हुआ सर कि द इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग इज सच दैट इट कैन विदस्टैंड अप टू द वोल्टेज ऑफ एलवी साइड अप टू द वोल्टेज ऑफ मोर देन 220 वोल्ट्स. नो लोड वोल्टेज ऑन द 220 वोल्ट साइड, अप टू द नो लोड वोल्टेज ऑन 220 वोल्ट साइड. फुल लोड कंडीशन में हमारी करंट कितनी बह सकती है? करंट हमारी बह सकती है 25 × 10³ / 3 / हाँ जी बेटा 220 मैक्सिमम करंट इतनी बह सकती है. यानी थिकनेस ऑफ वाइंडिंग ऑन एलवी साइड इज सच दैट इट कैन अलाउ मैक्सिमम करंट ऑफ दैट मच. सिमिलरली अगर इसी ट्रांसफार्मर में इधर लगाने के बजाय लोड इधर लगा देते, बहुत ध्यान देना, अगर इसी ट्रांसफार्मर में लोड हम इधर लगा देते 2200 वोल्ट्स की साइड में, ठीक है क्या? यस सर. सो अगर लोड यहां लगा होता 2200 वोल्ट्स की साइड में, देन आल्सो इट कैन मैक्सिमम सप्लाई 25 केवीए. इट मींस इट्स इंसुलेशन लेवल इज डिजाइंड इन सच अ फैशन दैट द एचवी साइड वाइंडिंग कैन विदस्टैंड अप टू द नो लोड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अंडर रेटेड कंडीशन जो करंट है वो कितनी हो जाएगी? 25 × 10³ / 2200. यानी कितनी करंट ये मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है ये निर्भर करता है थिकनेस ऑफ वाइंडिंग एचवी साइड. सो थिकनेस ऑफ वाइंडिंग एचवी साइड इज सच दैट इट कैन अलाउ अ करंट ऑफ 25 × 10³ / 2200. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर. इसका मतलब ये हुआ सर कि ये इधर की रेटेड करंट कहलाती है. तो रेटेड वोल्टेज का मतलब फुल लोड वोल्टेज और रेटेड करंट का मतलब आपका द करंट विच इज अलाउड अप टू द सेफर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ वाइंडिंग. यहां तक मेरी बात क्लियर है? इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? रेटेड केवीए. ठीक, यानी आउटपुट केवीए. अब यहां तक आपकी बात सर हमें समझ में आ गई. ओके, बहुत बढ़िया. अब आ जाते क्वेश्चन पे अपने वापस. क्वेश्चन की बात करें तो हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया था, सेकेंडरी पूछा है. तो आपने कहा सर हमारे पास Z1 दिया हुआ है, प्राइमरी का मतलब आपने कहा सर 2.5 + j 3.8, ये क्या है सर? R1 + jX1, ये हमें Z1 दे रखा. ठीक है जी सर. Z2 की बात करें तो Z2 क्या दिया हुआ है बेटा? 0.015 ohm + j 0.52 ohm, ये Z2 दिया हुआ है. मतलब R2 + jX2, ये हमें Z2 का पता है. यस सर, Z1 पता है सर, Z2 पता है. हमसे पूछा क्या गया? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू HV साइड. HV साइड का टर्न रेशियो क्या हो जाएगा? हम इसी वोल्टेज रेशियो को हमेशा क्या लेके चलते हैं? नो लोड वोल्टेज रेशियो. नो लोड वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो होता है. ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है. क्या है इसको समझना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये बस आपके लिए समझने के लिए. क्या है सर? ये है कि जो वोल्टेज मेंशन है दैट इज अ रेटेड वोल्टेज, दैट मींस अ फुल लोड वोल्टेज. बट व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल्स वी टेक दिस रेटेड वोल्टेज एज अ नो लोड वोल्टेज रेशियो. नो लोड वोल्टेज रेशियो विल रिप्रेजेंट टर्न रेशियो, सो वी टेक इट एज अ टर्न रेशियो. Because always in the transformer, either we are going to apply the rated or we may try to get at the output side as a rated. Is it okay? As far as rating is concerned, मतलब अगर आप rated पे चलाने की बात करते हो तब की. ठीक है जी सर. तो यहां से आप कह सकते हो सर हम टर्न रेशियो ए निकाल सकते हैं. टर्न रेशियो ए क्या हो जाएगा? HV साइड में हमें ट्रांसफर करना है. यस सर. तो HV साइड में ट्रांसफर करना है तो 2200 by 220
ये कितना हो जाएगा सर? टर्न रेशियो, टर्न रेशियो सर आ गया 10। बहुत बेहतरीन, हम एच वी साइड में उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या हो जाएगा? जेड इक्विवेलेंट आप कह सकते हो सर हो जाएगा जेड वन प्लस ऑफ, हाँ जी, ए स्क्वायर जेड टू। बहुत बेहतरीन सर, यहाँ से ये हो गया 2.5 प्लस जे 3.8 प्लस ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 100 टाइम्स ऑफ 0.015 प्लस ऑफ जे 0.52। 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो तुम बताओ ये कितना आ रहा है। कैलकुलेशन कर डालो फटाफट, मुझे बता दो कितना आया, आंसर बताओ भाई। रेटेड इज अ नॉमिनल वैल्यू और सेम सर, सेम बेटा, नॉमिनल इज कंसिडर्ड टू बी अ रेटेड। ओके, सो उसमें आप कोई डिफरेंस मत करिए, खाली लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। बाकी कहने के लिए ये कहा जाता है कि नॉमिनल वैल्यू का मतलब जो हम लगा सकते हैं, रेटेड का मतलब ये है कि जितना हम मैक्सिमम ऑप्टेन कर सकते हैं। ये आ रहा है 4 + 55.8 जे, सो ये आ गया 4 + j 55.8। ठीक है क्या बेटा? यस सर, समझ आया। आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, हाँ जी, बहुत बेहतरीन सर, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली ट्रांसफार्मर को ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर को वहां पर यूज किया जाता है एज अ इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस, एंड द पर्पस ऑफ इंपीडेंस मैच इज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड, मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है क्या? जनरली रजिस्टिव नेचर की जो है वो सर्किट्स का हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कर लेते हैं। इससे मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड तक ट्रांसफर हो जाती है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये IAS में सबसे पहले आया था, उसके बाद बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। रेडी हो सभी लोग भाई? बहुत बेहतरीन यार, अगर तुम लोग सेशन को शेयर करोगे ना तो मैं मतलब एकदम बार्क वाला, मैं मतलब गारंटी लेता हूँ कि तुम लोगों का गलत नहीं होने दूंगा। अब बचे हुए जो 13 दिन उनमें स्पेशल पे खूब जबरदस्त तरीके से क्लास लगा दूंगा। पूरा वेडनेसडे बार्क के लिए क्वेश्चंस के लिए आपके डेडिकेट कर रहा हूँ। कल मैं आपको यहीं पर लिंक शेयर कर दूंगा, पूरा वेडनेसडे सुबह से लेकर शाम तक आप लोग जो है बार्क के क्वेश्चन मेरे साथ लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं थिंकिंग प्रोसेस के मैक्सिमम लेवल को टच करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, बार्क में कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत कैलकुलेशन करना है, बट एनालिटिकल होगा, यानी आप क्वेश्चंस को पहले देखोगे तो आपको लगेगा कुछ नया है ना, होगा वही जो आपको सब पता है, बस वो थिंकिंग एबिलिटी आपकी जनरेट करने की कोशिश मैं कर दूंगा पूरे वेडनेसडे सुबह से शाम तक स्पेशल प्ले क्लास लगा के। एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दो बस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो ये देखो जरा क्वेश्चन देखो। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग आइडियल ट्रांसफार्मर की दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है ना, और जो टर्न्स दिया हुआ है वो 40 टर्न्स दिया हुआ। मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड टू 2 ओम रेजिस्टेंस, द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग। आपसे कह रहा है एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक ट्रांसफार्मर बना दो जिससे कि अगर सेकेंडरी साइड में 40 टर्न है और 2 ओम के रेजिस्टेंस को फेड कर रहा है तो सोर्स वोल्टेज जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम है वहां से मैक्सिमम पावर इस 2 ओम को ट्रांसफर हो। मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो, अगर लोड रेजिस्टेंस वैरी हो सकता है तो, और अगर सोर्स रेजिस्टेंस वैरी हो सकता है तो सोर्स रेजिस्टेंस 0 हो। तो भाई यहाँ सोर्स रेजिस्टेंस तो नहीं वैरी करेंगे, ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के थ्रू हम लोड रेजिस्टेंस को इस साइड में वैरी करा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ पर तुमको लोगों को इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज मान लो E1 है, ठीक है सर, यहाँ पे जो करंट है वो मान लो I1 है, यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो मान लो E2 है, यहाँ जो करंट आएगी वो देखो I2 है। ठीक है क्या? यस सर। अब यहाँ से तुमने कहा सर देखो अगर हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल ऐसे दिखा लेते कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, यहाँ E1 है, ठीक है सर, ये जो करंट है वो I1 है, ये भी ठीक है सर, और ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस टाइप का दिखाई दे जाता तो बड़ा मजा आ जाता सर, ये RL- कह देते हैं, यानी रेजिस्टेंस को उठा के इस साइड से इस साइड रेफर कर देते हैं सर, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। चलो हम देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। आपने कहा सर हमने पढ़ रखा था यहाँ पे
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम फेज में होते हैं और ईएमएफ पर टर्न के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब तक फ्लक्स कॉमन है तब तक ईएमएफ पर टर्न सेम होता है। तो यहां से हम E1 by N1 is equals to E2 by N2 कह सकते हैं सर। यहां से सर हम कह सकते हैं E1 is equals to AE2। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सर फ्रॉम MMF बैलेंस हम कह सकते हैं N1 I1 is equals to N2 I2। अरे बोल दो बेटा, समझ आई क्या ये वाली बात? N2 I2 सर यहां से आप लिख सकते हो सर हमारे को I1 is equals to I2 by A। यस सर, जहां A क्या है? N1 by N2 है। जहां A क्या है सर आपका? जहां A क्या है? N1 by N2 है सर। काम खत्म। यस सर। अब आपने कहा सर देखो E1 by I1 निकाल देता हूं, तो E1 by I1 क्या हो जाएगा? E1 by I1 आपको कहा सर यहां पे दिखाई देगा मुझे AE2 by I2 by A, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू बाई ए। बहुत बेहतरीन सर। यहां से आप कह सकते हो सर ये हमारा किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर ई टू बाई ए के बराबर हमारा। हाँ जी, ए स्क्वायर ई टू बाई आई। यार को मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ए स्क्वायर ई टू बाई आई कह सकता हूं सर। तो यहां पर मुझे जो इंपीडेंस दिखाई दे रहा है वो ए स्क्वायर ई टू बाई आई दिखाई दे रहा है। आपने कहा ए स्क्वायर E2 by I2 दिखाई दे रहा। अच्छा, E2 by I2 क्या है? E2 by I2 2 ओम है सर। E2 by I2 2 ओम है सर, तो A square into 2 दिखाई दे रहा। क्या मेरी बात समझ पाए? Yes sir। इस तरह से इंपीडेंस को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? Yes sir। तो ट्रांसफार्मर का ये वाला जो मॉडल है वो ऐसा दिखाई दे रहा। आपने कहा सर अगर ये RL dash 8 ओम के बराबर हो जाए तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा सोर्स से लोड। यस सर। 8 ओम के बराबर होने के लिए आप कह सकते हो सर ये हमारा क्या होना चाहिए? 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मुझे बता दो फटाफट। तो सर यहां से हम लोग A की वैल्यू देख सकते हैं। A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? आपने कहा सर 8 बाई 2 मतलब 4 कह दो सर। A है क्या सर? N1 बाय N2 है। N2 का हमें पता है सर। A है क्या? N1 बाय N2 है सर। N2 का हमें पता है सर। N2 कितना है? 40 है सर। तो N1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा सर। यानी अगर हम प्राइमरी साइड में यहां पर 80 टर्न्स प्रोवाइड कर दें तो काम बन जाएगा, है ना? 80 टर्न्स प्रोवाइड कर दें तो काम बन जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ आया क्या? यस सर। 80 टर्न्स गलत बोल दिया मैंने क्या? 160 टर्न आएगा ना। अच्छा, रूट छूट गया, 2 होगा। सो ये आपका 80, ठीक है। हाँ चलो, मैंने कैलकुलेशन गलत करी थी पर आंसर सही आ गया था। कोई बात नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, कैलकुलेशन सही करिएगा, ठीक। यानी 80 टर्न अगर प्रोवाइड कर दिया जाए प्राइमरी साइड में तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बार्क में एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब थिंकिंग एबिलिटी जो आपकी चेक करें, कंसेप्ट आपका चेक करें। तो होपिंग आप मेरी बात अच्छे से समझे हो, ठीक है। ये टोटल 13 अलग अलग क्लासेस में बांट रखा हूँ। रोज मैं आपको 12 बजे एक घंटे की क्लास कराऊंगा। आज की क्लास थोड़ी बहुत स्लो जरूर मैंने पढ़ाई है, बट आप इससे बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका कोई भी टॉपिक मिस होगा, आपका सारा टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, सब कुछ सबको क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन। सो हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल पढ़ा है और हम लोगों ने आज पढ़ा है, हाँ जी, ट्रांसफार्मर आइडियल, साथ ही साथ अलग अलग लॉस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब आपको मैं ले आता हूं। वैसे मैंने आज सोचा था इफिशियंसी तक पढ़ा दूंगा, बट कोई बात नहीं, अब इफिशियंसी तक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अन अकेडमी बेटा आपके साथ हर एक जगह पे खड़ा है। लाइक अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, आपको स्पेशल क्लासेस पे पूरा असिस्टेंस मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं सर हमको तो बस कैसे भी करके लेना है, बट येस ऑफकोर्स इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू आर नॉट रेगुलर विद द क्लासेस ऑन यूट्यूब और ऑन स्पेशल, यू मस्ट हैव टू गो बाय द पेड कोर्स, ठीक है क्या? अब अगर हम पेड कोर्स की बात करें तो देखो अभी आपका पेड कोर्स 4 अगस्त को आने वाला है। इसका नाम है बैच एक्सेलरेट और आरोहण बैच।
एक्सेलरेट क्या है भाई? एक्सेलरेट बैच आपका जो है वो गेट 2022 एंड एक्सेलरेट बैच आरोहन बैच इज फॉर गेट 2023. दिस इज नॉट ओनली फॉर गेट, दिस इज फॉर गेट एंड ईएससी बोथ. ओके, एंड इट ऑल्सो गोइंग टू कवर योर ऑल पीएससीयूज एग्जाम. ठीक है क्या? अब इसके आपके मेजर एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं. इस बैच में आज ही एनरोलमेंट बुक करिए और कोड सिर्फ एक ही लगाना है, VST101. ठीक है क्या? और मेरे साथ आप वेनसडे को पूरा फुल डे क्वेश्चन करने वाले हो. डेली 12 बजे ये क्लास चलेगी. ज्यादा से ज्यादा लोगों से सेशन को शेयर भी करना. इफ यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच देन यू हैव टू यूज कोड VST101 फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द बैचेस एक्सेलरेट एंड आरोहन सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. इज इट ओके? मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ फॉर कॉम्बैट. अनअकेडमी कॉम्बैट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट योर नॉलेज. इज इट ओके? और सर 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट जो है वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपका इंफॉर्मेशन और अच्छा कर देता है, कंसेप्ट की क्लियरिटी लाता है. अगला होने वाला है 8 तारीख को कॉम्बैट. इसमें मेरे मशीन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. इसके बाद VST101 कोड के साथ आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपकी रैंक आती है अप टू 100 आपको मिलता है ग्रेट एडवांटेज इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. यू विल गेट हाई डिस्काउंट्स. ओके, सो दिस इज अ परफेक्ट स्टडी पार्टनर. आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको क्या चाहिए, टेबल, मेज और कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है क्या? बाकी सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, दैट इज electrical_machine_varun_sir. और इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल क्लासेस. ऑल्सो यू विल गेट PDF एंड यू विल फील दैट अ ग्रुप डिस्कशन टाइप. लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे पोस्ट करो और वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं. होपिंग आपने आज की क्लास को एंजॉय किया है. सो थैंक यू एवरीवन. कल फिर मिलेंगे 12 बजे. सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक करिएगा. थैंक यू एवरीवन.